आपसे कुछ ही देर पहले सलाइवा पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए और वहां बकायदा विनम्र आंखों से उन्होंने श्रद्धांजलि दी वो आखिरी दर्शन और उसके बाद अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी वहां पहुंच सकते हैं और जानकारी हमें ये मिल रही है कि राहुल गांधी भी अंतिम जो क्रिया होगी उसमें हिस्सा ले सकते हैं यानी अंतिम संस्कार में। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। स्मिता जी, हम सुबह से इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत, इन सारी बातों पर तो डिस्कशन हो ही रहा है उनकी कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन अब उस शून्यता का, उस वॉइड का क्या, जो वो चाहे अनचाहे क्रिएट करके चली गई है, क्या उसका नाजायज फायदा उठ सकता है पॉलिटिकली, या फिर आपको लगता है कि इस लेगेसी को बढ़ाने के लिए आगे कोई ना कोई तो मौजूद है? फिलहाल तो कोई दिखता नहीं है AIADMK में जो जयललिता की जगह ले सके। वो एक जिस तरह की उनकी शख्सियत थी उसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है। दोबारा कोई ऐसे आ नहीं सकता तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में। AIADMK की तो बात ही अलग है। अभी जैसे जयप्रदा जी ने कहा कि वो सिर्फ एक लीडर नहीं थी, वो एक माँ थी लोगों के लिए। इसमें आप देखिए द आयरनी ऑफ इट, ना तो उन्होंने शादी की, ना उनके बच्चे हुए, खुद के बच्चे हुए, लेकिन जो पार्टी है, जो लोग हैं, उन्हें एक माँ से ज़्यादा नहीं, माँ से कम नहीं समझते थे। उनमें जो वात्सल्य भाव था लोगों के प्रति, इसकी वजह से डेफिनेशन ऑफ अम्मा, माँ का जो डेफिनेशन है वो अलग है पॉलिटिक्स में, स्टेट में, जो शायद बाकी रिपोर्टर्स, नॉर्थ के जो रिपोर्टर्स हैं, नॉर्थ के जो टीवी चैनल्स हैं, शायद वो समझ नहीं पाए काफ़ी सालों तक कि क्यों ऐसे होता है कि AIADMK के जो पॉलिटिशियंस हैं वो साष्टांग प्रणाम कर लेते हैं, वो क्यों लेट जाते हैं उनके सामने, क्योंकि एक रिस्पेक्ट है। जिस तरह वो जो रिस्पेक्ट तमिलनाडु में बड़ों के प्रति दिखाया जाता है वो नॉर्थ में नहीं दिखाया जाता। एक कल्चरल डेफिनेशन है जिसको हम, वी शुड अंडरस्टैंड दैट, ना कि हम समझें कि वो ऐसी डिक्टेटर थी कि वो जाती थी कि लोग मेरे सामने ऐसे लेट जाए, सामने दे शुड प्रोस्ट्रेट देमसेल्व्स। ये एक तरीका है रिस्पेक्ट देने का जो तमिलनाडु में है, जो बाकी जगह में नहीं है। रही बात उनके एक पॉलिटिकल लेगेसी के बारे में, बहुत से लोग कहते हैं कि शी वॉज एक्सट्रीमली करप्ट, उनके प्रति उनके करप्शन केसेस थे उनके अगेंस्ट, जिनके लिए वो जेल भी जा चुकी हैं। हाँ, जेल जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें वोट देते थे। इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि करप्शन इज़ नो लॉन्गर एन इशू एज फार एज वोटर्स आर कंसर्न? क्योंकि वो करप्ट लीडर्स को बार बार वोट क्यों देते हैं, वो क्यों उनको बार बार इलेक्ट करते हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर, उन्हें प्राइम मिनिस्टर भी वोट कर देते हैं, ऐसे क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ये जो लीडर्स हैं इनका एक इमेज बन जाता है कि ये अगर पैसा बनाते हैं तो वो बना के गरीबों में बांट देते हैं। ये जो फ्रीबीज का जो कल्चर था जयललिता का, वो इसलिए लोग इसको ये मानने लग गए थे कि ये जो है वो पैसे बनाती हैं ताकि गरीबों में बांटा जाए। मतलब आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना। हाँ, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस मसले को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जो लिंगपात की आप बात कर रही, वो भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेप था। बिल्कुल ऐसा ही कि पिता के नाम की जरूरत नहीं किसी एप्लीकेशन में।